वेलकम बैक। मैं आपका भाई राजा पाकिस्तानी, राजा पाकिस्तानी गोट फार्म जानम से आज मैं आप एक डेरे पर लेके आया हूँ। माशाल्लाह भाई के पास 100 भेड़े हैं भाई, 100 भेड़े हैं और कुछ बदीन की नस्ल की काली झरी है, जो ब्लैक और वाइट होती है वो है, और दूसरी जो ब्राउन कलर में, लेकिन ब्राउन में ज़्यादा नज़र आ रही है। भाई के पास 100 भेड़े माशाल्लाह, सारी अच्छी हैं, डबल हड्डी में खूबसूरत हैं। और ये मुंद्रा भाई कह रहा है कि सिर्फ 2 माह का है ये, माशाल्लाह लेंथ वगैरह में अच्छा है और चौड़े सीने में, डबल हड्डी में खूबसूरत है। छोड़ दो एक मिनट हकनाल भाई, छोड़ दो। तो ये भाई ने यहाँ पर कुछ लूसन लिया हुआ है, तो भाई लूसन भेड़ों को खिला रहा है। वो बड़ा बड़ा जो है मुंद्रा, वो पकड़ ले यार, आ जा सामने आ जा। ये भाई मुंद्रा माशाल्लाह चेक करो, चमड़ी देखो और लेंथ वगैरह में देखो भाई। हाथ हाथ पकड़ 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 ले पकड़ पकड़। माशाल्लाह ये अच्छा है भाई, चौड़े सीने में, डबल हड्डी में खूबसूरत है। और भाई कह रहा है, इसका जो हुनर कह रहा है कि ये लड़ेगा, माशाल्लाह अच्छा है। और भाई के पास टोटल भाई 100 भेड़े हैं, तो एक से एक क्या कहते हैं, सारी अच्छी हैं यार। इसमें एक जो है ना, माशाल्लाह सारी अच्छी हैं। और हाँ चाचा तू पकड़ ले, मैं आ रहा हूँ। भाई कह रहा है कि कुछ तकरीबन 100 भेड़े हैं, तो इनमें 50 जो बच्चे हैं ना, वो बच्चे अलग है। 100 भेड़ों के 50 बच्चे हैं और कुछ भेड़ें गब्बन हैं। जैसे ये सामने आ रही है, ये भी माशाल्लाह चौड़े सीने में, डबल हड्डी में और गब्बन है। ये जो ब्लैक जा रही है, ये भी गब्बन है। तो अंकल कह रहा है भाई, तो आप आ जाओ, आपको ये मुंद्रा मैं चेक कराऊँ, यूज़ तो मुंद्रा आपको चेक कराता हूँ। माशाल्लाह ये पे अच्छी हैं, 100 भेड़ों में से 50 भेड़ों के बच्चे हैं और 50 भेड़े भाई कह रहा है कि गब्बन चाहे दानों में, 2 है 4 है। अच्छा भाई, तो यूस भाई कह रहा है कि दांत में अभी 4 दांत है। अच्छा बूढ़ा नहीं है, जवानी है। माशाल्लाह कह रहा है कि 4 दांत अभी हुआ है, लेंथ वगैरह में सही है। तो हट जा, लेंथ में भाई सही है, चौड़े सीने में, डबल हड्डी में खूबसूरत है। और वज़न तो माशाल्लाह आपके सामने है, कमर देखो, कमर माशाल्लाह जैसे बछड़े की कमर होती है ना, वैसे कमर है। और माशाल्लाह सारा अच्छा यार, क्या जरा कोट। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है ये बदीन के नस्ल के होते हैं, जो हाँ लाड़ी होते हैं वो है बिल्कुल। थोड़ा चाह हट जा, सामने कुछ नज़र तो आए, ये मुंद्रा पूरा आप चेक कराए ना। माशाल्लाह मुंद्रा अच्छा है भाई, चौड़े सीने में, टोटल 100 भेड़े हैं। तो उस भाई कह रहा है कि टोटल 100 भेड़े, लेकिन भाई ने यहाँ पर कुछ बरसिंग लिया हुआ है, बरसिंग नहीं लूसन है, तो लूसन माशाल्लाह मैंने चेक किया, सही है भाई, बिल्कुल अच्छा है। हाँ लूसन लिया, तो लूसन ये भेड़ें खा रही हैं। माशाल्लाह सारी भेड़ें अच्छी हैं, और किसी भी दोस्त को ऐसी भेड़ें चाहिए तो हफ्ते को भाई तलार के शहर में जो मंडी लगती है, हफ्ते को और इतवार को इस मंडी में ये भेड़ें ज़्यादा आती है। लेकिन अभी जो सूरत आलम मंडियों का ये है कि जो 50 रुपये की भेड़ है ना, वो आपको 35 की मिलेगी, गबन तैयार होगी जहाँ तो नीचे बच्चा होगा। क्योंकि अभी आपको पता है 2024 के लिए हर बंदा जो है ना, सिर्फ बकरे खरीद रहा है और भेड़ों का कोई भी ग्राहक इस टाइम नहीं है। लेकिन भाई कह रहा है कि सारी जो ना भेड़े मैंने तकरीबन तो 1 साल से रखी हुई है, कह रहा है कि टोटल पहले मैंने 20 भेड़े ली थी, उनमें से ये 100 भेड़े हैं और 50 इनके बच्चे हैं। यहाँ पर व्यूस आपको मैं चेक कराऊँ, ये रहे बच्चे, ये कुछ भेड़ों के बच्चे भी नज़र आ रहे हैं। और कुछ कह रहा है कि छोटे बच्चे जो है 15 दिन 20 दिन के बच्चे हैं, वो कह रहा है कि घर पर है। तो यहाँ से इनका घर जो है ना, तकरीबन जहाँ पर ये भेड़ हैं इससे कह रहा है कि 2 किलोमीटर आगे यहाँ इनका कुछ वाड़ा बना हुआ है, तो वहाँ पर ये बच्चे। लेकिन ये भी भाई बच्चा चेक करो, कमर देखो माशाल्लाह, ये तकरीबन होगा 2 माह का है, लेकिन भाई कमर और लेंथ वगैरह में सही है। और ये तो साफ ज़्यादा नीचे बैठा है, पता नहीं क्यों, ये भी माशाल्लाह अच्छा है। ये तकरीबन 15 से 20 दिन का होगा और पूरा वाइट है। और 2 बच्चे ये बड़े खूबसूरत है यार, ब्लैक दोनों, चेक करता हूँ मेल है या फीमेल, माशाल्लाह दोनों मेल है भाई, दोनों चौड़े सीने में, डबल हड्डी में खूबसूरत है। और ये कलर चेक करो, और कमेंट्स में माशाल्लाह लाजमी लिखना भाई। और देखो घास भी खा रहे हैं, भाई कह रहा है कि सिर्फ जो है ना 20 दिन के ये बच्चे हैं, एक एक बच्चा जो 20 दिन के, और दोनों भाई हैं एक भेड़ के माशाल्लाह। भाई नवाज़ को पकड़ ले एक बच्चे को यार, आ जा आ जा, पकड़ ले पकड़ ले, क्योंकि इस बच्चे दोनों को पकड़ ले यार, वो तो चला गया भाई। ये हकनवाज से, ये हकनवाज है, और इससे जो है ना बच्चा भी नहीं पकड़ना आता, तो ये भेड़ का बच्चा कैसे पकड़ते हैं माशाल्लाह। दोनों जो है ना, दोनों जाड़े हैं ना, मुझे पता है, वो तो मैं देख के पहचान गया, क्योंकि मैं खुद जो है ना भाई, मैंने खुद भेड़ें घर पर रखी हैं। माशाल्लाह दोनों अच्छे हैं यार, दोनों चौड़े सीने में, डबल हड्डी में खूबसूरत है। और भी बच्चे व्यूस आपको मैं चेक कराता हूँ,
जितनी भेड़ें हैं भाई कह रहा है कि 100 भेड़ें हैं तो 50 बच्चे यहाँ पर छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, और कुछ कह रहा है कि बच्चे घर पर हैं, और कुछ भेड़ें जो है ना प्रेगनेंट गब्बन है, जैसे ये जा रही है, ये गब्बन तैयार है, हवाना उतार रही है, और इसके साथ ये भी तैयार है, लेकिन कोई कहेगा इनके जो कद बिल्कुल ज़ीरो है, तो भाई ये कद की माशाल्लाह सही है, लेकिन ये नीचे गर्दन करके घास खा रही है ना, इसलिए आपको इनका कद जो है बिल्कुल क्या कहते हैं ज़ीरो नज़र आएगा। माशाल्लाह सारी अच्छी हैं, और इसके साथ कुछ बकरे खड़े हैं तो उनके भी मैं वीडियो कवर करता हूँ। जितनी भेड़ें सारी अच्छी हैं भाई, कह रहा है कि ये मैंने सेल, इनमें से किसी को पसंद कोई भेड़ आई 15-20 या 30 भेड़ें पसंद आई तो मैं सेल भी करना चाहूँगा, लेकिन अभी रेट नहीं बता रहे, कह रहा जब आपके क्या कहते हैं सामने कोई ग्राहक होगा कस्टमर, पता नहीं कौन सी भेड़ लेगा, तो मैं फिर रेट बताऊंगा, अभी जो रेट नहीं बता रहा है, अभी सिर्फ कह रहा है भले इनका वीडियो कवर करो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगेगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक एक भेड़ के पीछे कहाँ कहाँ जाऊँ, टोटल 100 भेड़ें आपको शायद नज़र आ रही होंगी या नहीं, माशाल्लाह सारी अच्छी हैं यार, क्योंकि अभी तकरीबन तो टाइम ना 5:30 हो रहे हैं।